स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिप विद कृति। एंड दिस वीडियो इज गोना बी क्वाइट डिफरेंट एज द वीडियो आई यूज्ड टू अपलोड ऑन टू माय चैनल, बिकॉज हियर वी विल टॉक अबाउट एसेंशियल थिंग्स दैट यू शुड टेक और यू मस्ट टेक इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज़ वीडियो। लिस्ट वेन आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर एंड जब मैं कॉलेज गई थी, देर वर सर्टेन थिंग्स दैट मैंने रियलाइज की कि ये स्टूडेंट्स के पास होनी ही होनी चाहिए एंड इनके बिना जो है आपका फर्स्ट ईयर अधूरा रहता है। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी। हियर सी माई फोटो। एज यू कैन सी हियर आई एम कैरिंग वन ऑफ द बैग इन टू दिस फोटो एंड मुझे पता नहीं है मैं कौन सी फोटो एड करने वाली हूँ। अगर आप बैग क्लियरली देख पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं बता दूं आपको, इसमें मैंने लैपटॉप बैग कैरी किया हुआ है। सो इफ यू बाय एनी लैपटॉप इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड उसी का बैग आप कॉलेज कैरी करके ले जाते हो, देन डियर फ्रेंड यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि लैपटॉप का जो बैग होता है ना, वो अगर उसमें आप थोड़ा सा भी सामान रख दोगे, एक या दो नोटबुक भी रख दोगे ना, तो इट विल बिकम हैवी। सो डू नॉट टेक द लैपटॉप बैग अलॉन्ग विथ यू इन योर कॉलेज। टेक द बैग जो ज्यादा इजी हो, पोर्टेबल हो। इसके अलावा इसमें काफी ज्यादा जिप होनी चाहिए, स्पेशली द स्मॉल वन, बिकॉज आपकी जो कॉलेज आईडी है वो उसी में रखी जाएगी एंड डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जिसमें जिप कम होती है एंड उसकी वजह से ना स्पेस नहीं मिलता, हम इधर उधर सामान डाल देते हैं, लास्ट में जब कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर जाना हो तो एवरीथिंग यू हैव टू पुट इट आउट एंड देन आपको आईडी मिलेगी। ये मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको एक बार आइडिया दे रही थी। सेकेंड थिंग दैट इज गोइंग टू बी, ओके सो लेट मी राइट हियर, जब बोर्ड है तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए बैग। सेकेंड थिंग इज अ लैपटॉप। यू मस्ट हैव लैपटॉप इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ अ कॉलेज। इन कॉलेज मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट दैट यू विल बी गेटिंग वो सारे आपके लैपटॉप से होंगे। तो इस सिचुएशन में अगर आप किसी और से मांगते हो तो सभी के लैपटॉप जो है वो एक ही टाइम पे बिजी रहते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इफ यू कैन अफोर्ड एंड देन गो फॉर इट एंड इफ यू वॉन्ट टू नो दैट विच लैपटॉप इज गोना बी इम्पॉर्टेंट और विल बी गुड फॉर यू फॉर डूइंग योर प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। लैपटॉप आपको जो चाहिए है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, मतलब ये आपको कुछ ऐसा एडिटिंग वगैरह तो करनी नहीं है। इफ यू जस्ट वॉन्ट लैपटॉप फॉर कम्प्लीटिंग योर प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, देन गो फॉर एसूस, एसर, डेल, दीज आर द लैपटॉप दैट यू कैन रेफर। क्योंकि इसमें आप सिंपल अपना काम कर सकते हो प्रोजेक्ट असाइनमेंट वाला। इफ यू थिंक दैट नो यू वॉन्ट टू डू एडिटिंग, एंड कई सारे स्टूडेंट्स जो एडिटिंग करते हैं, अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क चलता हो लैपटॉप के थ्रू, देन गो फॉर अ गुड लैपटॉप विच यू कैन बाय इट, सो लाइक एप्पल एंड अदर लैपटॉप्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो जाइए। क्योंकि टिल नाउ आई जस्ट यूज लेनोवो लैपटॉप एंड आई रियलाइज दैट व्हाइल एडिटिंग माय वीडियो आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इनटू दैट, क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो एडिटिंग के लायक और ये जो एडिटिंग एप्स है उनके लायक नहीं होता। इफ आई यूज एप्पल लैपटॉप देन इट विल बी द सिचुएशन कि मेरे वीडियो जो हैंग होती है बार बार एडिट होने में वो एकदम स्मूथली वर्क करेगा। सो लैपटॉप अगर आप अफोर्डेबल चाहते हो देन गो फॉर अ एसर, डेल एंड बट आई विल जस्ट सजेस्ट यू गो फॉर अ एसूस। एसूस का i3 लेना, i3 आता है, i5 आता है, दीज आर द प्रोसेसर्स। तो आपको एडिटिंग वगैरह करनी हो तो i5 लेना, अदरवाइज i3 लेना, ठीक है। सो दीज आर द सम अफोर्डेबल लैपटॉप। अब ये बैग हो गया, लैपटॉप हो गया, नेक्स्ट थिंग इज दिस, व्हेन यू गो टू योर कॉलेज डू नॉट बाय मल्टीपल बुक्स फॉर वन सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि इस टीचर का अलग नोटबुक है, इसका अलग है। नाउ यू आर इन अ कॉलेज, बाय वन नोटबुक बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी हैवी फॉर यू कि आपको सारी नोटबुक जो है एक ही दिन में कैरी करनी होगी। बाय वन नोटबुक एंड मेक श्योर यू डू नॉट यूज दैट रूलिंग वाली नोटबुक, ओके। तो जैसे कि यू कैन से दैट कि हियर आई एम जस्ट अटैचिंग दिस, सो जो A4 साइज वाले प्लेन पेपर वाली जो नोटबुक रहती है वो आपको रेफर करनी है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस, मैं प्लेन पेपर वाला आज भी बोलती हूँ इसको। सो दिस इज द नोटबुक दैट यू हैव टू यूज। व्हाई आई एम सेइंग सो, ब्लैंक पेपर में आप फर्स्ट ईयर से लिखना शुरू करोगे तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कभी भी अपनी ब्लैंक पेपर पे एक बार ट्राई कर लेना कि हैंड राइटिंग ऐसी आती है, यू विल रियलाइज कि आपकी ऐसी हैंड राइटिंग आती है, कभी ऐसी, कभी ऐसी, कभी ऐसी, क्योंकि जब आप लिखते नहीं हो ना तो कुछ इसी तरह की हैंड राइटिंग आती है। सो जब आप एक बार लिखना शुरू कर दोगे यू विल फाइंड दैट कि इट इज क्वाइट ईजी। मेक वन मोटी वाली नोटबुक एंड उसी को डिवाइड कर लेना फॉर योर सब्जेक्ट, ठीक है। एक नोटबुक को दो सब्जेक्ट के लिए कर लेना, क्योंकि
आपके अगर ऑनर्स करने जा रहे हो डेफिनेटली आपको एक सब्जेक्ट का दो पेपर होंगे, तो इट्स फार बेटर कि एक ही नोटबुक को दो सब्जेक्ट के लिए यूज कर लो, दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू. डू नॉट कैरी एनी अदर थिंग्स विद दिस बैग, लैपटॉप, नोटबुक एंड सम पेंस. सो पेंस चाहे ब्लैक यूज करो चाहे ब्लू, ये कोई बताने वाली बात नहीं है. दैट्स इट फॉर योर कॉलेज बैग. बट हियर वी आर मिसिंग वन थिंग एंड दैट इज गोइंग टू बी वॉटर बॉटल. आई नो दैट यू माइंड बी थिंकिंग क्या हम यार बच्चे हैं, बट वॉटर बॉटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो तो थोड़ा नोटिस कर लेना. वॉटर बॉटल अगर थोड़ी हैवी लेने वाले हो तो भाई मत लेना, बहुत पछताओगे. बहुत सारे रहते हैं, मैंने देखा है खुद का जो है उनका 30 किलो का वजन होगा लेकिन 20 किलो की वो बॉटल अपने साथ लेके घूमेंगे. तो इतनी हैवी बॉटल कैरी करने की जरूरत नहीं है. इन योर कॉलेजेस यू विल गेट रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तो आप वहां से कूल वॉटर ले सकते हो, तो वहां से आप ठंडा पानी ले सकते हो. सो जस्ट कैरी प्लास्टिक बॉटल और द बॉटल विच यू थिंक दैट या इट इज लाइट वेट. जो भी बॉटल लो बस लाइट वेट होनी चाहिए. मिल्टन वगैरह मत ले लेना, पैसा जिनके पास है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वजन बढ़ा देती है. स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम योर कॉलेज टू योर पीजी और हॉस्टल, वेर एवर यू गोना लिव, देन डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि भाई ये मैंने बहुत सही बताई है. आई ट्रैवल लाइक मेरा जो रास्ता है दैट इज मेट्रिक कॉलेज है, तो मेट्रिक कॉलेज से मुझे जो है मेट्रो स्टेशन जाना होता है, मुझे दो बार चेंज करना होता है एंड देन इट ऑलमोस्ट टुक 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स टू मी टू ट्रेवल टू दैट प्लेस और टू दैट कॉलेज. 45 मिनट्स में लैपटॉप वाले बैग में दो नोटबुक रख के उसके साथ ट्राइपॉड रख के इसके साथ जो है मेरा फोन रहता है, ईयरफोन्स रहते हैं, with this college ID, some money and bottle. So bottle feels like कि ये मैंने क्या कर दिया, it's so heavy. Make sure आपको जगह जगह पानी मिल जाएगा, तो bottle तो भाई यार light ही carry करना तो सही रहेगा. That's it for today's video. Main thing is this student asked for a laptop. So of course you will going to use your laptop in your first year for college. And even if you are planning to buy a phone ऐसा लेना कि थोड़ा decent हो. Decent like ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि अच्छा लेने के लिए आपको पैसे ज्यादा खर्च करने होते हैं. कम पैसों में भी काफी अच्छे प्रोडक्ट आ जाते हैं एंड इफ यू कैन स्पेंड देन यू कैन बाय एनी प्रोडक्ट. अगर आप अफोर्डेबल ही चाहते हो इन 10,000 यू विल गेट बेस्ट फोन. सो अगर आप फोन लेने की भी सोच रहे हो यू कैन गो फॉर ASUS. ASUS इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. इट कम्स अंडर 10,000 रुपीज एंड इट वर्क्स बेस्ट, क्योंकि इसकी जो बैटरी है, इसकी जो मेमोरी है, इसका जो प्रोसेसर है, लाइक ये सब कुछ बहुत सही काम करता है एंड कैमरा भी काफी सही है रेट के हिसाब से. बाकी सारे चाइनीज फोन है तो वो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर सकती. फिर बचा आपका एप्पल, तो आप एप्पल ले सकते हो अगर आप ले सकते हो तो. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इट वॉज अबाउट योर कॉलेज बैग इन द फर्स्ट ईयर में जो आपको ले जाना चाहिए. लेट मी इन कॉमेंट सेक्शन व्हाट अदर थिंग्स यू वॉन्ट टू नो from me so that I can share my experience with you. Till that time, hit the like button, share this video and subscribe Study Shivit Krati 2 for more such kind of a video content. Milenge hamare agle video mein.